प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एम्स की दी सौगात। राज्य में चिकित्सा पर्यटन की अपार संभावनाओं का किया जिक्र। कहा डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल को विकास के नए आयाम पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा समारोह में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लोगों को एक विशाल जनसभा में दी बधाई। भगवान रघुनाथ के आगे नतमस्तक होकर लिया आशीर्वाद। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया अभिवादन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में पारदर्शी तरीके से होंगे चुनाव। बारामूला में एक रैली को किया संबोधित। कहा प्रधानमंत्री के सुशासन से जम्मू कश्मीर का हुआ विकास, रोजगार के अवसर पैदा हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य में 70 साल से सत्ता में रहने वाले सियासी दलों पर साधा निशाना। अमित शाह ने श्रीनगर में छठी पातशाही गुरुद्वारा में टेका मत्था। दशहरा के मौके पर मुंबई में शिवसेना और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट ने किया शक्ति प्रदर्शन। एकनाथ शिंदे ने कहा मुख्यमंत्री का पद किसी की जागीर नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहब के सपनों को किया है पूरा। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने देश में जनसंख्या नियंत्रण पर व्यापक नीति बनाने की वकालत की। कहा बिना भेदभाव के सभी पर सख्ती से लागू हो नीति। कहा सार्वजनिक पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को समान अवसर दिए जाएं। स्वयं सर संघ चालक ने नागपुर में संघ के विजयदशमी कार्यक्रम के दौरान की शस्त्र पूजा। दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के ऐलान का सिलसिला जारी। रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा। दो अमेरिकी वैज्ञानिकों कैरोलिन आर बार्टोजी और के बेरी शार्पलेस और डेनमार्क के वैज्ञानिक मार्टिन डेल डॉल को संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र का मिलेगा नोबेल। राष्ट्रीय खेलों में आज से टेनिस के मिश्रित युगल में महाराष्ट्र की जोड़ी ने जीता स्वर्ण पदक। तीरंदाजी में पुरुषों के कंपाउंड टीम इवेंट में दिल्ली की टीम ने मारी बाजी। महाराष्ट्र की महिला टीम ने स्वर्ण पदक पर किया कब्जा। वहीं स्विमिंग में केरल के साजन प्रकाश ने जीता गोल्ड। और देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार दशहरा। जगह जगह रामलीलाओं में रावण वध का मंचन। कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण के पुतलों का किया गया दहन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अनेक गणमान्य लोगों ने देशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बिलासपुर में एम्स के अलावा गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया गया। साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क और राष्ट्रीय राजमार्ग 105 के एक खंड के चौड़ीकरण की भी आधारशिला रखी गई। देश को एक और नया एम्स मिला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स का उद्घाटन कर पहाड़ी राज्य को शिक्षा और स्वास्थ्य की दोहरी सौगात दी। 1,470 करोड़ रुपए की लागत से बना अस्पताल राज्य के जनजातीय और दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान बनकर आया है। पर्यावरण अनुकूल होने के कारण बिलासपुर के एम्स को प्रधानमंत्री ने ग्रीन एम्स का नाम दिया। एम्स के अंदर भी ये ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। पूरी तरह पर्यावरण प्रेमी एम्स, प्रकृति प्रेमी एम्स हिमाचल का एक पक्ष और है जिसमें यहां विकास की अनंत संभावनाएं छुपी है। ये पक्ष है मेडिकल टूरिज्म का। आज भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। जब देश और दुनिया के लोग हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहेंगे
तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है कि वे यहाँ आएंगे, एक प्रकार के उनके लिए आरोग्य का लाभ भी होगा और पर्यटन का भी लाभ होने वाला है। हिमाचल प्रदेश को आज कुल 3,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। बंदला में 140 करोड़ रुपए की लागत से बना गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज राज्य में पन बिजली परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षित कामगारों की कमी को पूरा करने का काम करेगा। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखे जाने से आने वाले दिनों में चिकित्सा उपकरणों के तेजी से निर्माण में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर पिंजौर से नालागढ़ तक करीब 31 किलोमीटर लंबे खंड को 4 लेन का बनाने की परियोजना की आधारशिला रखी। आज हिमाचल की सड़कों को चौड़ा करने का काम भी चारों तरफ चल रहा है। हिमाचल में इस समय कनेक्टिविटी के कामों पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिंजौर से नालागढ़ हाईवे के 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तब औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ और बद्दी को तो लाभ होगा ही। चंडीगढ़ और अंबाला से बिलासपुर मंडी और मनाली की तरफ जाने वाले यात्रियों की भी सुविधा बढ़ने वाली है। यही नहीं, हिमाचल के लोगों को घुमावदार रास्तों से मुक्ति दिलाने के लिए सुरंगों का जाल भी बिछाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की पूर्ववर्ती सरकारों पर पहाड़ी राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। देश के पहाड़ी प्रदेशों में मूल सुविधाएं तक सबसे अंत में कई कई वर्षों के इंतजार के बाद पहुंचती थी। उस पुरानी सोच को और उस सोच का नतीजा ये हुआ कि इससे देश में विकास का एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। इस वजह से देश का एक बड़ा हिस्सा, वहां के लोग असुविधा में, अभाव में रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को पिछले 8 साल में 8 नए मेडिकल कॉलेज और अब आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्स मिला है। साथ ही राज्य पूरे देश को कुछ दिनों में सस्ती दवाएं और मेडिकल उपकरण पहुंचाने का भी काम करेगा। केंद्र व राज्य के बीच बेहतर समन्वय की बदौलत बीते 5 वर्षों से हिमालय तेज और समावेशी विकास का गवाह बन रहा है। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल हुए। यह दशहरा आज से लेकर 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस महोत्सव में घाटी के 300 से अधिक देवी देवताओं का समावेश होता है। महोत्सव के पहले दिन आज सुसज्जित पालकियों में अच्छी तरह सजे देवी देवताओं ने अपने अधिष्ठाता देव भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके बाद ढालपुर मैदान में आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्य रथ यात्रा और देवताओं की भव्य सभा के साक्षी बने। इस दौरान दशहरा महोत्सव में आए लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम मोदी कुल्लू दशहरा समारोह में हिस्सा लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। अपने 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्द ही कश्मीर में जनता की सरकार चुनी जाएगी। बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि राज्य के युवा यहां की तकदीर लिखेंगे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें जल शक्ति, सड़क निर्माण, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा की परियोजनाएं शामिल हैं। अपने 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे के 3रे दिन बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश को विकास की कई सौगातें दी तो राज्य में हो रहे बड़े बदलाव का जिक्र भी किया। उन्होंने बारामूला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा, बदहाली के लिए 3 परिवारों को जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह ने कहा कि जिन्होंने यहाँ 70 साल राज किया वे पाकिस्तान से बात करने की सलाह देते हैं, लेकिन सरकार का स्पष्ट मत है कि सिर्फ युवाओं से बात की जाएगी। मुझे सलाह देते जिन्होंने 70 साल तक यहाँ राज किया वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है,
मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता, मेरे बारामुल्ला के गुर्जर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों बहनों को बात करना चाहता, मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना चाहता। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई इसने कश्मीर का क्या भला किया है? आज पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर को भी वो रेस के अंदर आना है। अमित शाह ने कहा कि जैसे ही चुनाव आयोग का मतदाताओं की सूची बनाने का काम खत्म होगा, पूरी ताकत से यहां पर चुनाव कराए जाएंगे, जिसके बाद जनता की सरकार यहां शासन करेगी। उन्होंने कहा कि पहले के परिसीमन में 3 परिवारों के लोग ही चुनकर आते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने जो परिसीमन किया है उसमें जनता के नुमाइंदे ही शासन करेंगे। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतार कर मेरे बारामुल्ला के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। युवाओं के लिए घुपकार मॉडल में क्या है? पत्थर है, बंद कॉलेज है, हाथ में मशीन गन है। नरेंद्र मोदी मॉडल में क्या है? IIM है, IIT है, एम्स है, निफ्ट है, नीट है। युवा को पढ़ाई लिखाई चाहिए अब्दुल्ला साहब, युवा के हाथ में पत्थर नहीं चाहिए। बारामूला की विशाल जनसभा में शामिल होने से पहले गृह मंत्री ने श्रीनगर में शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा CRPF, BSF के DG समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आर्टिकल 370 हटने के बाद के हालात पर गृह मंत्री ने सुरक्षा के बारे में जानकारी हासिल की और चुनौतियों से निपटने के लिए निर्देश दिए। अमित शाह ने अपने दौरे के तीसरे दिन केंद्र शासित प्रदेश को 1,000 करोड़ रुपए के विकास की भी तमाम योजनाओं की सौगात दी। श्रीनगर से इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। हर साल की तरह इस साल भी दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम नागपुर में हुआ। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने इस मौके पर तमाम समसामयिक विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण पर व्यापक नीति की वकालत की तो महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने भारत की दुनिया में बढ़ती साख का जिक्र किया तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे कदमों की सराहना की। इस कार्यक्रम में पहली बार मुख्य अतिथि के रूप में 2 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी संतोष यादव शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण पर व्यापक नीति बननी चाहिए और बिना भेदभाव के सभी पर सख्ती के साथ लागू की जानी चाहिए। नागपुर के रेशमबाग स्थित मैदान पर संघ के विजयादशमी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि भारत सहित दुनिया के कई देशों को जनसंख्या संतुलन का परिणाम भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अन्य माध्यमों से जनसंख्या संतुलन पैदा करने का प्रयास किया जाता है। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार करने कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि पुरुष और महिला परस्पर पूरक हैं और समाज में उनकी हिस्सेदारी 50-50% है। उन्होंने महिलाओं को सार्वजनिक पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अवसर दिए जाने की वकालत की। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। सर संघचालक मोहन भागवत ने दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की सराहना की और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भारत स्वावलंबी होता जा रहा है। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में
हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज में अगर कुछ अप्रिय होता है या कोई गलती करता है तो हिंदू समाज पर स्पष्ट रूप से बोलता है। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने परंपरागत शस्त्र पूजा की। इसके अलावा संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दो बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव उपस्थित रहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित रहे। गौरतलब है कि सन 1925 में विजयादशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर शेलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के गांधीनगर कपड़ा बाजार में देर शाम आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए करीब 35 दमकल गाड़ियों को लगाया गया है। सकरी गली में होने के कारण दमकल कर्मियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और दिल्ली के गांधीनगर कपड़ा मार्केट में ताज़ा हालात जानने के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता गिरीश निशाना से। गिरीश, फिलहाल अभी क्या स्थिति है? आग को कब काबू में पाया जा चुका है या फिर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? और क्योंकि सकरा इलाका है, बाजार का इलाका है, आग पर काबू पाना और न फैल पाना दोहरी चुनौतियां हैं। क्या है ताजा स्थिति? देखिए सनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें मैं मौजूद हूँ गांधीनगर की नेहरू गली में। ये पूर्वी दिल्ली का वो इलाका है जहाँ पर रेडीमेड गारमेंट का व्यापार होता है। काफी संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं और काफी सकरी गलियां हैं, मतलब कि दुकानें एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, पत्ती पत्ती काफी गलियां हैं यहाँ पर। और करीब 5:36 पर दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि नेहरू गली के अंदर एक आग की सूचना मिली थी, तो उसके बाद लगातार दमकल विभाग की करीब 35 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और लगातार आग को बुझाने का काम कर रही हैं। करीब करीब आग पर काबू पा लिया गया है और अभी तक किसी भी हताहत होने की कोई खबर यहां पर नहीं मिली है। और करीब 5 घंटे लगातार दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार आग बुझाने में लगे रहे, क्योंकि गलियां काफी सक्रिय हैं, काफी छोटी छोटी गलियां हैं, अंदर तक गाड़ियां आने में काफी दिक्कतों का सामना होता है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए गाड़ियां पहुंची हुई हैं, लोग भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। और तो क्योंकि जिस तरह से आज दशहरा का दिन था तो काफी लोग जो हैं वो दशहरा देखने के लिए रामलीलाओं में गए हुए थे, तो काफी कम संख्या में दुकानों पर कहेंगे लोग मौजूद थे। लेकिन अगर ये आग और ज्यादा बढ़ जाती तो, क्योंकि लगातार दुकानें साथ में हैं और रेडीमेड गारमेंट्स की ये गलियां हैं जहां पर लोग अपनी दुकानों के लिए, रिटेल के लिए यहां से सामान खरीद कर लेकर जाते हैं, खरीदारी करते हैं, तो आज करीब 5:36 पर शाम को दमकल विभाग को सूचना मिलती है और उसके बाद करीब 35 गाड़ी लगातार 5 घंटे तक इस आग को काबू पाने के लिए जुटी रहती हैं। अभी फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो यानी कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और आग पर काफी हद तक क्योंकि तकरीबन 6 घंटे हो रहे हैं आप जैसा बता रहे हैं, आग पर पूरा काबू पा लिया गया है, किसी तरीके का जन हानि की नुकसान नहीं हुई है जो? जी, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है अभी। और क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं काफी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की है, क्योंकि सकरी गलियां हैं, ऐसे में जो दमकल की गाड़ियों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप यहां देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर दमकल की गाड़ी खड़ी है और यहां से करीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर वो स्थान है जहां पर वो आग लगी है और आग पर लगातार काबू पाया जा रहा है। 35 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और लगातार क्योंकि गलियां सकरी हैं और यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट की जो दुकानें काफी हैं, क्योंकि लोग अपनी दुकानों के लिए यहाँ से सामान खरीद के लेके जाते हैं, चाहे जींसों की बात की जाए, चाहे कमीजों की बात की जाए, टी शर्ट की बात की जाए, तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो होलसेल की दुकानें हैं, रेडीमेड गारमेंट की यहाँ पर दुकानें हैं। और तो ये करीबन 5:36 का समय है, क्योंकि अश्विनी मैं आपको बताना चाहूंगा आज दशहरा का दिन है तो काफी ऐसे जो दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं वो आज जल्दी छुट्टी लेकर दशहरा देखने के लिए निकल चुके थे, तो बाजार में इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन हताहत होने की अभी तक किसी की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन 35 दमकल की गाड़ियां जरूर मौके पर मौजूद रही और जो लगातार अभी तक राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। जी, दशहरा होना और साथ ही साथ ऐसे मौके पर दुकानें बंद भी होती हैं लोग उत्सव के माहौल में से, बहुत अच्छी बात है कि किसी तरीके से जन हानि की नुकसान नहीं हुई, बहुत अच्छी खबर है। क्या शुरुआती तौर पर कुछ बता पा रहे हैं
अग्निशमन विभाग के कर्मचारी की क्या रहा कारण? जी देखिए, अभी आग के लगने के कारणों का पता नहीं लगा है, लगातार इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, इसके अलावा दमकल कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा सिविल डिफेंस के जो वॉलेंटियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लोगों को कहीं ना कहीं राहत और बचाव कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। और दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि किस तरह से आग पर काबू पा लिया जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुआं जहां भी अभी उठ रहा है उसको पूरी तरह से खत्म करने में जुटे हुए हैं दमकल कर्मी। जी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश निशाना हमसे जुड़ने के लिए और ताज़ा जानकारी देने के लिए। गांधीनगर से, गांधीनगर में एक रेडीमेड की दुकान में आग लगने की वजह से आग लगने की घटना हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके के जनहान की खबर नहीं है। आग पर कमोबेश काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग की 30-35 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और प्रशासनिक मुस्तैदी और लोगों के सार्वजनिक सहयोग से इस घटना को किसी बड़े हादसे में होने से रोक दिया गया और पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित MMRDA ग्राउंड में शिवसैनिकों की बड़ी रैली में हिस्सा लिया। विजयदशमी के मौके पर शिवसेना द्वारा शिवसैनिकों को संबोधित करने की परंपरा रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब पार्टी के दो धड़े अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किए। एक ओर जहां एकनाथ शिंदे ने बड़ी रैली का आयोजन किया तो वहीं दूसरी ओर परंपरागत जगह शिवाजी पार्क में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक रैली किया। 1966 में पार्टी के गठन के बाद से ये पहली बार है जब मुंबई में दो जगहों पर शिवसेना की रैली हुई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाला साहब ठाकरे के सपनों को साकार किया है। उत्तराखंड में हुई दो बड़ी घटनाओं ने सभी को दहला कर रख दिया। कल रात राज्य के पौड़ी गढ़वाल में हुई बस दुर्घटना में 32 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। वहीं दो दिन पहले उत्तरकाशी जिले में हिमस्खलन के बाद राहत एवं बचाव कार्य का काम जारी रहा जिसमें 6 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मंगलवार देर शाम बारातियों से भरी बस के गहरी खाई में गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस हरिद्वार जिले के लालढांग से बारात लेकर काडा गांव जा रही थी और करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घायलों में कुछ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। बाद में मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के पौड़ी में हुए बस हादसे पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा, पौड़ी गढ़वाल में बस के घाटी में गिरने पर कई लोगों के हताहत होने की दुर्घटना से दुखी हूं। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ बस हादसा दिल दहला देने वाला है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावितों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। इस बीच राज्य के ही उत्तरकाशी में हिमस्खलन में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य किया गया। जिला प्रशासन, NDRF, SDRF और ITBP के जवान तेजी से राहत एवं बचाव कार्य में जुटे। बर्फ के तूफान में फंसे 6 लोगों को ITBP के जवानों ने बचाया। इन सभी को हेलीकॉप्टर के जरिए ITBP की 12वीं बटालियन के जवानों ने मतली तक पहुंचाया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से हमारी जो SDRF ITBP की टीमें थी, NIM की टीमें थी, उनको ऊपर ले जाया गया। ये जो घटना बेस कैंप 13,000 फुट पे है, घटना 17,000 फुट के आसपास की है। तो वहाँ से कल बता रहे थे 26 मिसिंग है, 4 बॉडीज हैं। आज जो है 6 बॉडीज और मिले, टोटल 10 बॉडी वहाँ मिल चुके हैं अभी तक और हमारी टीमें वहाँ लगी हुई हैं। तो इनके अलावा 20 मिसिंग और बता रहे हैं, मतलब सभी की टीमें लगी हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी और पौड़ी की दुर्घटनाओं में प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दोनों दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
रक्षा मंत्री जी से बात करी थी और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की इस समय जरूरत थी, तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर यहां पर आ गए हैं। रात्रि में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जो है उन्होंने जानकारी ली है और उन्होंने कहा है कि कोई भी यहां पर किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उसको उस स्तर पर किया जाएगा। गौरतलब है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के भुक्की के पास चल रहे बेसिक और एडवांस पाठ्यक्रम के बच्चे और प्रशिक्षक मंगलवार सुबह पर्वतारोहण के प्रशिक्षण के लिए द्रौपदी के डंडा पहाड़ी पर पहुंचे थे। इसकी ऊंचाई करीब 5,006 मीटर है। यहां अचानक से बर्फ के चट्टान ढहने से प्रशिक्षणार्थी फंस गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नागपुर में 66वें धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर दीक्षा भूमि में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई है। गौरतलब है कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली थी। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग देश के प्रत्येक हिस्से से इकट्ठा होते हैं। इसका आयोजन कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 2 साल बाद हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रामदास अठावले और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के ऐलान का सिलसिला जारी है। बुधवार को रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों कैरोलिन आर बार्टोजी और के बैरी शार्पलेस और डेनमार्क के वैज्ञानिक मॉर्टन मेल डॉल को संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। इन वैज्ञानिकों को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। और पूरे देश भर में परंपरागत हर्ष उल्लास और श्रद्धा के साथ दशहरा का त्यौहार मनाया गया। जगह जगह पर रामलीलाओं में रावण वध का मंचन किया गया और साथ ही साथ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। देश भर में असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक विजयादशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में दशहरे के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। देश भर में इस दौरान रामलीलाओं में रावण वध का मंचन किया जाता है और जगह जगह मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। इस प्रकार ये पर्व भारत की सांस्कृतिक एकता का उदाहरण है। दिल्ली के प्रसिद्ध रामलीला परेड ग्राउंड में दशहरे का उत्सव विशेष रूप से मनाया गया। श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में इस बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केरल में विजयादशमी को बच्चों के पठन पाठन की शुरुआत यानी विद्यारंभम के दिन के रूप में मनाया जाता है। सैकड़ों बच्चों ने केरल में विजयादशमी के अवसर पर अक्षर ज्ञान का आरंभ किया। इस अवसर पर धार्मिक व शैक्षणिक संस्थानों, धर्मार्थ संगठनों और सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों द्वारा सार्वजनिक समारोहों में विद्यारंभम अनुष्ठान का आयोजन किया गया। विजयादशमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिलाओं ने एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला उत्सव मनाया। मैसूर दशहरा उत्सव नवरात्रि से शुरू होकर 10 दिनों तक मनाया जाता है। 10वें दिन विजयादशमी पर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति को एक भव्य जुलूस में ले जाया जाता है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। यहाँ का दशहरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। मैसूर के दशहरे का इतिहास मैसूर नगर के इतिहास से जुड़ा है जो विजयनगर साम्राज्य के समय में शुरू होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। हर दिन हर पल।